दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो स्टॉक अभी इंट्राडे में 15% तक अभी तेज है और अभी भी ये और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये आज इंट्राडे में लगभग 20% का भी अपर सर्किट लगा दे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से इसमें बहुत ही बंपर तेजी देखी जा रही है। दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस फिर से करेंगे, पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कंपनी का नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 274 रुपए चल रहा है और अभी ये इंट्राडे में लगभग 14% तक तेज है और मार्केट अभी भी चल रही है। हो सकता है ये मार्केट बंद होने से पहले 20% का अपर सर्किट भी लगा दे। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 48,074 करोड़ की है। इसका जो पीई है वो बहुत ही अंडर वैल्यू है, 11 का है। आरओसी इसका काफी बेहतरीन है 20% और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसका बहुत ही लाजवाब है 31% का। दोस्तों अगर पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 49 रुपए का इसने लो लगाया था और 278 रुपए का इसने हाई लगाया है दोस्तों, जो कि आज ही लगाया है। यानी कि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, कंपनी जो है वो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स में काम करती है। स्टार्टिंग में ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ज्वाइंट वेंचर था और अभी ये ONGC का सब्सिडियरी है। कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें आपका रिफाइनिंग क्रूड ऑयल हुआ, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस हुआ, ट्रेडिंग ऑफ एविएशन फ्यूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके अगर लाइफ टाइम चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 2008 में इस कंपनी ने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक काफी दिनों तक नीचे ही रहा। बाद में फिर 2017-18 के आसपास इसने वापस से अपने 2008 वाले लेवल तक गया, लेकिन उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वापस से फिर से नीचे आ गया। और अब जाकर पिछले 2 हफ्ते पहले इस कंपनी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये नॉन स्टॉपेबल हो गया। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने डेप्ट कम किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 28 दिन से घटके 13 दिन पर आ गया है। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो 3.55 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है ये रिफाइनरी सेक्टर में काम करता है, जिसमें आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, IOCL, BPCL, HPCL, CPCL एंड गंधार ऑयल रिफाइनरी, ये सारी महारत्न कंपनियां काम करती हैं। मैंगलोर रिफाइनरी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 7,952 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 20,419 करोड़ का हुआ, काफी अच्छा जंप हुआ, दिसंबर 2022 में 26,557 करोड़ का और दिसंबर 2023 में अगर बात करें तो कुल 24,677 करोड़ का सेल्स है। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में माइनस में था, दिसंबर 2021 में 586 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 2022 में वापस इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं देखने को मिला और दिसंबर 2023 में 387 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके पिछले 10 साल के प्रॉफिट लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 53,770 करोड़ का था, मार्च 2015 में 57,463 करोड़, मार्च 2018 में 48,451 करोड़, मार्च 2021 में 31,959 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो कुल 90,481 करोड़ का सेल्स किया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में 909 करोड़, मार्च 2015 में माइनस के 1700 करोड़, मार्च 2018 में 2224 करोड़, मार्च 2021 वापस से माइनस का 700 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 4,367 करोड़ का प्रॉफिट है। इस कंपनी की अगर CAGR की बात करें दोस्तों तो पिछले 10 सालों में इसने 20% के रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 31% से, पिछले 3 सालों में तो 86% और पिछले 1 साल में तो हद कर दी 346% का रिटर्न दिया है दोस्तों इस कंपनी ने। बहुत ही बंपर मुनाफा हुआ लोगों को। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 6,183 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 9,032 करोड़ का, मार्च 2018 में 7,950 करोड़, मार्च 2021 में तो हद कर दी 24,000 करोड़ का लोन और सितंबर 2023 में अगर बात करें तो इसने कंपनी ने कम किया है और 14,207 करोड़ के लोन पर अभी चल रहा है। इसका टोटल एसेट्स की बात करें तो 26,000 करोड़ का था मार्च 2012 में, 2015 में कुल 34,000 करोड़ के आसपास का था, 2018 में 26,221 करोड़, मार्च 2021 में 34,725 करोड़ और सितंबर 2023 में 35,568 करोड़ का असेट था इस कंपनी के पास। मैंगलोर रिफाइनरी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 88% पर थी, वहीं दिसंबर 2023 में भी 88.58% पर ही है। यानी कि इसके प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सेदारी कम नहीं की है। FIIs की बात करें तो 0.74% पर थे, उन्होंने अपना माल बढ़ाकर 2.55% किया। DIIs की बात करें तो जहां 2.73% पर थे, इन्होंने कम करके 1.57% किया। वहीं पर अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी जहां 7.95% पर थी वो घटकर 7.30% हुई है। तो ओवरऑल प्रमोटर्स इस कंपनी को काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, तो चिंता की कोई खास बात है नहीं। मैंगलोर रिफाइनरी के अगर फोरेंसिक एनालिसिस करें दोस्तों तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस आरओसी है काफी अच्छा है, आरओई इसका बहुत ही बेहतरीन है पिछले 10 सालों में, वर्किंग कैपिटल भी काफी अच्छा है। कंपनी ने कोई
भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल होल्डिंग भी ठीक है। कंपनी के ऊपर कोई खास दिक्कत की बात नहीं क्योंकि ये कंपनी अब अपना डेप्ट कम करती जा रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बरकरार है। इसके मार्केट शेयर की बात करें दोस्तों तो इसका 5.29% मंथली रिफाइनरी प्रोडक्शन है, यानी कि ये कंपनी क्रूड ऑयल को काफी अच्छे से रिफाइन कर लेती है, काफी अच्छे शेयर के साथ रिफाइन कर लेती है। पॉलीमर्स के बिजनेस में इसका 4% का मार्केट शेयर है, पॉलीप्रोपिलीन में 7.2% का, एंड पॉलीप्रोपिलीन में साउथ इंडिया में लगभग 35% का इसका मार्केट शेयर है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हाई स्पीड डीजल 62%, मोटर स्पिरिट में 22% एंड एविएशन फ्यूल्स में लगभग 15% का इसका प्रोडक्ट है। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो इंडिया से 64% का रेवेन्यू आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 36% का रेवेन्यू आता है। तो वापस हम इस चार्ट पे आते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्त, जब से हम इस स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं तब से ये स्टॉक लगभग 2% तक तेज भी हो चुका है। स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे तब ये 14% का था, अभी ये 16% का हो चुका है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप दोस्तों, इसके चार्ट ने 2008 के लेवल को ब्रेकआउट किया है और उस ब्रेकआउट के बाद ये नॉन स्टॉपेबल हो चुका है। इसमें पिछले 3-4 हफ्तों में ही काफी अच्छी तेजी देखी गई है और ये अभी भी ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक अभी अनचार्टेड टेरिटरी में है और अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।